वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2। आज हमारा टॉपिक है वेल्डिंग इम्परफेक्शंस एंड डिफेक्ट्स। सो आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इम्परफेक्शन एंड डिफेक्ट? इम्परफेक्शन में और डिफेक्ट में क्या फर्क होता है? सर, इम्परफेक्शन जो है जो टॉलरेंस लिमिट के आसपास हो, और डिफेक्ट वो है जो बिल्कुल ही रिजेक्टेड हो, यानी कि एक्सेप्टेबल ही ना हो। समर, डू वी नीड एनी क्राइटेरिया फॉर एनी स्टैंडर्ड रेफरेंस? क्राइटेरिया है जैसे कि कुछ जो है वो हम रिपेयर करके सही कर लेते हैं इम्परफेक्शंस को। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था एक्चुअली कि क्या उसको चेक करने के लिए हमें कोई स्टैंडर्ड या कोई क्राइटेरिया सेट मिलता है या नहीं मिलता है। जी, वो तो ऑब्वियसली ना, ये पूरा हमें चार्ट होता है। हमें क्या करना होता है, अपने स्टैंडर्ड से रेफरेंस लेना होता है, राइट? जिस भी स्टैंडर्ड पे आप वर्किंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक टॉलरेटेड रेंज मिल जाती है, जिसके अंदर अंदर अगर वो चीज रह रही है, इट इज बियॉन्ड परफेक्शन, लेकिन वो उस टॉलरेटेड रेंज को एक्सीड नहीं कर रही, उससे अबव नहीं जा रही, तो उसको क्या बोलेंगे? इम्परफेक्शन। अगर कोई भी चीज आपकी स्टैंडर्ड की गिवन लिमिट से ज्यादा एक्सीड कर जाती है, आउट हो जाती है उस रेंज से, तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक डिफेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपको एक डिफेक्ट मिलता है लैक ऑफ फ्यूजन का, लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन। लेट्स से स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है कि 20 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके? और आपकी जो रेंज आ रही है, आपके पास जो लिमिट आ रही है उसकी, या जो आपने फाइंड की है, वो है 40 मिलीमीटर। अब क्या करोगे आप, उसको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे? करते और अगर वो 10 आ जाता तो एक्सेप्ट। हुए परफेक्ट। 20 की रेंज दे रहा है ना स्टैंडर्ड, तो फिर तो उसको एक्सेप्ट करेंगे ना, अगर 10 आ रहा है तो, क्योंकि वो विद इन रेंज है। अगर आउट ऑफ दैट रेंज चला जाए, 20 से अबव चला जाएगा, तो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके। सो इस तरह से होता है आपका वेल्ड। जितना मेटल ये फेस साइड से, चौड़ी साइड से ऊपर आ रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेस वेल्ड मेटल हाइट। और ये जो आपकी पतली साइड है या पिंच हुई साइड, इसको बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे रूट साइड। और रूट साइड से पेनिट्रेशन जितना मेटल बाहर को निकला होगा, उसे क्या बोलेंगे? रूट पेनिट्रेशन। इसके लिए टर्म पेनेट्रेशन भी यूज होता है, रूट पेनेट्रेशन भी यूज होता है, एक्सेस रूट पेनेट्रेशन भी यूज होता है। ओके, सो रिमेंबर, इलेक्ट्रोड जब भी लगता है, इलेक्ट्रोड को हम किस साइड से इंप्लीमेंट करवाते हैं? इस साइड से लगेगा ना इलेक्ट्रोड। पहले रूट पास की फिलिंग, पहले रूट लगेगी, उसके बाद ऊपर क्या होगा? हॉट पास लगा, फिर होगी फिलिंग। इस तरह से डिफरेंट पासेस लगते हुए ये वेल्डिंग फिलिंग से होते हुए कैपिंग पे जाएगी। ओके, इस तरह से होगी ये वेल्डिंग। ओके, अब इन पासेस में बेशतर डिफेक्ट आ जाते हैं, बेशतर डिफेक्ट आ जाते हैं। और वो किस वजह से आते हैं? कुछ डिफेक्ट लैक ऑफ वेल्डर स्किल की वजह से आते हैं, कुछ डिफेक्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से आ जाते हैं, राइट? सो कहीं ना कहीं, जहां पे भी आप WPS से हट के या क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर से हट के कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? डिफेक्ट। ओके,
ओके इनमें से मुझे देख के बता सकते हैं आपको इन चारों वेल्ड में से कौन सा वेल्ड है जो ठीक लग रहा है? फर्स्ट बाकियों वाला ही है का जो बिल्कुल ठीक है, क्या जिस पे राइट क्लिक हुआ हुआ है। बिल्कुल बाकियों को क्या मसला? किसी में कैपिंग उनकी सर कैपिंग किसी ऐप में प्रॉपर सही है, नहीं किसी की सही। है और किसी में पेनिट्रेशन जो है वो प्रॉपर नहीं आएगी। ओके अब बाज जगह पे ये देख रहे हैं जैसे यहाँ पे वेल्ड हुआ हुआ है, ये सारा ये टोटल हिस्सा वेल्ड हुआ हुआ है। कहते हैं इन एन आइडियल वर्ल्ड द ज्वाइंट विल बी परफेक्टली फ्लश विद द पेरेंट मेटल फॉर डिजाइन पर्पसेस, दिस वुड गिव द लोएस्ट स्ट्रेस कंसंट्रेशन। लोएस्ट, अब ये मेरे पास बना तो हुआ है, ठीक है, यहाँ से पेनिट्रेशन हाइट आ रही है, सॉरी यहाँ से पेनिट्रेशन हाइट है, ये एक्सेस वेल्ड मेटल हाइट आ रही है मेरे पास, लेकिन अगर इस मेंबर को मैं किसी ऐसी जगह पे लगा दूँ जहाँ पे इसके ऊपर पड़ेगी स्ट्रेस, तो अगर स्ट्रेस पड़ेगी तो ये इस पॉइंट पे आके स्ट्रेस इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, इस पॉइंट पे आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, इस पॉइंट पे पड़ेगी, इस पॉइंट पे यानी टोज पे आके स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाएगी, और उसका अल्टीमेट कॉज क्या होगा? क्रैकिंग। आपका मटेरियल क्या करेगा? क्रैक कर जाएगा, क्योंकि उसकी एक लिमिट है ना, उससे ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो जब वो स्ट्रेस उससे बढ़ जाएगी तो वो क्रैक कर जाएगा। अब ये तो था किस वजह से, क्योंकि हमने इजाफी यहाँ पे मेटल छोड़ा हुआ है, तो मोस्टली जितनी भी एप्लीकेशन है जहाँ पे आइडिया है कि किसी किस्म की स्ट्रेस पड़ने वाली है, वहां पे क्या करते हैं, बिल्कुल पेरेंट मेटल के लेवल पे वेल्ड मेटल को ब्लेंड कर देते हैं, फ्लश कर देते हैं, ठीक है। ये फ्लशिंग हमें क्यों करवानी होती है? फ्लशिंग इसीलिए करवानी होती है क्योंकि हमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, तो जब आप ऊपर से फ्लशिंग करवा दोगे, आपने फेस साइड से भी करवा दिया, रूट साइड से भी उसको फ्लश करवा दिया, तो अब स्ट्रेसेस आएंगी? नहीं आएंगी। रीजन, अब लेवल बिल्कुल सेम है, अब कोई इजाफी चीज, कोई आड़ी तिरछी चीज रास्ते में नहीं आ रही जिसकी वजह से अटक के वहां से आपके मटेरियल का नुकसान होगा, राइट? सर टोस को ब्लेंड करेंगे ना। जी, बजट उसको ब्लेंड कर देंगे ना। देखें यहाँ पे जैसे ये है, अब अगर हो मैं यहाँ से इसकी करवा देता हूँ ग्राइंडिंग, ग्राइंडर लगवा के यहाँ से अगर मैं इसकी ग्राइंडिंग करवाता हूँ, तो ये बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा, ये लेवल बन जाएगा इसका, जो लेवल आपके पेरेंट मेटल का, ये जितना इजाफी हिस्सा है यहाँ से भी और यहाँ से भी ऊपर से उतर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी हम कॉर्नर्स को और मजीद ब्लेंड करेंगे, तो ब्लेंड जो जितना लिखा ज्यादा हुआ ब्लेंड है करोगे तो थिकनेस रिड्यूस हो जाएगी ना, जब आप उसको लेवल पे ले आए हो तो आप जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, इसको अगर आप ब्लेंडिंग करने का बोलो तो यस जी। वी कैन डू द ब्लेंडिंग, लेकिन जब आपने फ्लशिंग करवा दी फिर ब्लेंडिंग करने का मकसद नहीं है। ओके ओके सो ड्यूरिंग ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन आपको रिक्वायर है, आपने रिपोर्ट भी करना है एक्सेस वेल्ड मेटल हाइट को और एक्सेस रूट पेनिट्रेशन को। ओके, आपके पास गेज होगा, आपके पास वेल्डेड सैंपल होगा, आपने फेस साइड से जो इजाफी मेटल आ रहा होगा
उसकी हाइट भी चेक करनी है, जो रूट साइड से इजाफी मेटल आपके पेरेंट मेटल के लेवल से ऊपर जा रहा होगा आपने उसकी भी हाइट चेक करनी है। तो वो हाइट इजीली मेजरेबल है, जस्ट गेज का यूज आना चाहिए। वो मैं आपको गाइड करूंगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो उसमें आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह से ये परफॉर्म करनी। ओके सो एक्सेस वेल्ड मेटल हाइट डिफाइंड एज एनी वेल्ड मेटल अबव द पेरेंट प्लेट फेस से हो या रूट से हो, ये एक्सेस रूट पेनेट्रेशन है, ये एक्सेस वेल्ड मेटल है। अब इनका इफेक्ट क्या बिल्कुल होता है आपके जॉइंट पे, क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे एक्सेस वेल्ड मेटल से क्या होगा। तो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ है, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट जनरेट करता है, जब यहाँ पे आके फोर्स लगेगी ना तो इस पॉइंट पे आके स्ट्रेस पड़ेगी, इस पॉइंट पे आके स्ट्रेस पड़ेगी, फिर इस पॉइंट पे आके स्ट्रेस पड़ेगी, इस पॉइंट पे स्ट्रेस पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये टोस के पॉइंट है, यहाँ पे जब स्ट्रेस पड़ेगी तो यहाँ से मटेरियल इस तरह क्रैक करेगा, यहाँ से भी क्रैकिंग हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। ओके सो इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादा जहाँ पे आपको खतरा होता है ना कि स्ट्रेस वाली एप्लीकेशन है, तो वहां पे इस मेटल को ऊपर से बिल्कुल रिमूव करवा दिया जाता है, स्मूथ करके क्लीन कर दिया जाता है, बिल्कुल ऊपर कोई चीज नहीं छोड़ते। अब ये देखो जरा ये क्या है, फ्यूजन है क्या लग रहा है ये, एक साइड पे गवर्नमेंट और और ये क्या लग रहा एक है? रैक नहीं, साइड लेफ्ट पे फ्यूजन है सर, एंटी है। फ्यूजन दो ये जी, स्लैग तो नहीं है, स्लैग इसमें ये माइट पॉसिबल, ये स्लैग इंक्लूजन की वजह से, क्योंकि बच्चे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वेल्ड करते हैं, वेल्ड करने के बाद आपको उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। अगर आप उसको क्लीन नहीं करते हो, क्लीन किए बगैर, फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे ये वेल्डिंग पास एक ये लगा, एक ये लगा हुआ है, ठीक है। अब इन पासेस के बाद मैंने आगे जो ऊपर पास लगाए हैं, डिपॉजिट करवाए हैं, ये पास लगा दिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने इन दोनों पासेस को क्लीन नहीं किया, क्लीन ना करने की वजह से स्लैग अंदर छूट गया, उसके ऊपर वेल्डिंग हो गई, और जब आपने इसको चेक किया मैक्रो सेक्शन में तो आपको यहाँ पे स्लैग की इंक्लूजन नजर आ रही है। ओके क्लियर। और ये जो सर, साइड पे आ रहे हैं, लैक ऑफ फीलिंग सर, ये मेरे ख्याल फील सही नहीं हुआ, फ्यूज मतलब सही नहीं हुआ इसमें। हम इसको क्या बोलेंगे, लैक ऑफ यूनियन के तीन डिफेक्ट है ना। और साइड इसकी फ्यूज नहीं है, चले लैक ऑफ साइड वन फ्यूजन होगी। पहले मुझे ये बताएं कि लैक ऑफ फ्यूजन के कितने डिफेक्ट हैं, फिर अगली बात करें। इंटर इन्फ्यूजन, लैक ऑफ आतिफ साइड वॉल फ्यूजन, मुझे नंबर्स में बता दो, एक है, दो है, या तीन है, या चार है, कितने हैं? लैक ऑफ फ्यूजन। सर ये नंबर में बता मेरा दो सेंस ना, ये कितने बीच लगते हैं में आपको। से क्या वीडियो ब्रेक होती है या सब की होती है? बीच में से सिर्फ जस्ट मेरी वीडियो ब्रेक हो रही है या आपकी वॉइस ब्रेक होती है सर? बीच में से बिल्कुल ब्रेक हो जाती है। हाँ तो मैं भी, मुझे लग रहा है आपका ना इंटरनेट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हो रहा है ऐसा, बाकी सबको भी इशू फेस हो रहा है। नहीं सर, आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है ना? नो सर, आवाज जी बहुत जी कम आ सर रही है सर अभी, यस जो इतना सर क्लियर है ठीक सर। है। आतिफ और उस्मान, आप दोनों को ये इशू फेस हो रहा होगा आई थिंक। जी 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 सर, अगेन वो फिर से स्टार्ट हो जाती है ऑफ वो शो के। अच्छा, आप लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो जरा, मे भी कहीं वीक सिग्नल, रेड सिग्नल तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि अगर इंटरनेट सही नहीं है ना, उसकी वजह से ब्रेकेज प्रॉब्लम होगी, या ऐसा कर लो कि दोबारा से लॉगआउट करके ना आप रीज्वाइन कर लो, ओके ठीक है सर। ठीक है? लॉगआउट करके रीज्वाइन करके चेक करो, अगर फिर भी आ रही है तो आपके इंटरनेट का इशू है, क्योंकि बाकी सबको तो इशू नहीं है, बाकियों को ओके आवाज, लेट ठीक है? मी चेक। ओके सर। ओके, सो दिस इज लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन, दिस इज लैक ऑफ इंटरन फ्यूजन, और एक फ्यूजन आती है इधर रूट में, एक आती है रूट में जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ रूट फ्यूजन। लैक ऑफ फ्यूजन के टोटल तीन डिफेक्ट हैं, लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन, लैक ऑफ इंटरन फ्यूजन, और लैक लैक ऑफ रूट फ्यूजन। ऑफ इंटरनल रूट वाला डिफेक्ट सिर्फ रूट के लिए, फेस वाली साइड में आपको कौन कौन सा डिफेक्ट मिलेगा? लैक ऑफ साइड वॉल, लैक ऑफ इंटरन। ओके, जैसे ये दोनों नजर आ रहे हैं, एक ये है और एक ये है। ओके, इसकी वजह क्या है? कंटेमिनेटेड वेल्ड प्रिपरेशन। जब भी आपने अपने मेंबर को प्रिपेयर करवाया, फॉर एग्जांपल आपने उसकी क्लीनिंग नहीं की, उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस लगी रह गई, या फिर कहीं इलेक्ट्रोड से स्लैग जो है वो उतर के वहां पे ट्रैप हो गया, उसकी वजह से लैक ऑफ फ्यूजन आ गई। ओके, एम्पेरेज टू लो, करंट कम होने की वजह से भी फ्यूजन आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगी, करंट कम होगी तो इलेक्ट्रोड उसको पेनेट्रेट नहीं करवा पाएगा, उसकी वजह से लैक ऑफ फ्यूजन आएगी। और एम्पेरेज टू हाई, अब यहाँ पर टू हाई भी बोल रहा है, लेकिन साथ ये भी पढ़ो, वेल्डर इंक्रीजेज स्पीड ऑफ ट्रैवल। तो जब वेल्डिंग स्पीड बढ़ जाएगी तो आप करंट चाहे बढ़ा लो, लेकिन इफेक्ट क्या होगा? आपको लगता है कि एक्यूरेट हीट इनपुट जाएगी आपके जॉइंट में? क्योंकि स्पीड जब हाई है तो आपके जॉइंट को इनफ हीट मिल ही नहीं रही है पेनिट्रेट करने के लिए, तो वहां पे भी लैक ऑफ फ्यूजन की प्रॉब्लम फेस होगी आपको। ओके सर एक बात पूछनी है सर, जी उसामा। अगर दोनों बातें पूछी जाए कि कोई सा भी लैक ऑफ फ्यूजन आ रहा हो, इसकी वजह वोल्टेज है या करंट है, तो हम किसको चूज करेंगे आप किस सेंस में पूछ रहे हो? क्योंकि दोनों सर? ही, दोनों ही करेक्ट हैं, तो वो जी मैं ऐसा ये कभी भी इसलिए नहीं करेगा कि दोनों करेक्ट ऑप्शन दे के आपसे झगड़ा करवा ले कि हाँ भाई बताओ दोनों सही में सही सिलेक्ट करो। सर, क्योंकि सर मैंने ऐसा दोनों के बारे में पढ़ा है, फ्यूजन ऐसा के नहीं लिए करेगा, मैं वोल्टेज आपको वोल्टेज कंडीशन का बहुत बता बड़ा देता फर्क। हूँ। लैक ऑफ फ्यूजन जो है, देखिए ये अगर हमारा इलेक्ट्रोड है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है, यहाँ से आर्क जल रही है, और यहाँ पे अगर आपको लैक ऑफ इंटरन फ्यूजन फेस हो रही है, तो माइट पॉसिबल कि वेल्डर की आर्क लेंथ प्रॉपर ना हो या वहां पे कोई एंट्रैपमेंट हो। अगर ये साइड पे भी लगाएगा ना वो, तो करंट कम होने की वजह से ऐसा पॉसिबल है। अगर वोल्टेज प्रॉपर नहीं है, इलेक्ट्रोड इस तरह से लगा रहा है वो, ऐसे उसने इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है, ये आपकी आर्क चल रही है। अब यहाँ से जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ अगर आपकी बढ़ जाएगी ना, ज्यादा हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रोड का उसने फासला दूर कर दिया, इलेक्ट्रोड को वो आपके वर्क पीस से दूर ले गया, तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली वहां पे करंट कम हो जाएगी, करंट एक्यूरेट तो पहुंचेगी नहीं, और पेनेट्रेशन का डायरेक्ट लिंक है करंट के साथ, तो जहां पे करंट कम हो गई उधर पेनेट्रेशन कम हो जाएगी, जब पेनेट्रेशन नहीं होगी तो यहाँ पे फ्यूजन कैसे पॉसिबल है? राइट, यस सो अगर वोल्टेज टू हाई है तब भी लैक ऑफ फ्यूजन आएगी, अगर एम्पेरेज टू लो है तो ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, राइट? क्योंकि वोल्टेज जब हाई होगी तो एम्पेरेज लो होगी, तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी लैक ऑफ फ्यूजन।
फ्यूजन। क्लियर? यस अगर इस इफेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यस ये देखें, विजुअली अगर आप मैक्रो टेस्टिंग करवाते हो ना, तो मैक्रो टेस्टिंग में आपको ये इस तरह से साइड अनफ्यूज मिल रही है, ये वाली साइड अनफ्यूज मिल रही है। ये क्या है? ये लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन है। अब यहाँ पे आपको ये रन लगे हुए नजर आ रहे हैं, ये पासेस की पूरी सीक्वेंस नजर आ रही है कि ऊपर 1 2 3 4 पास लगे हैं, फिर 1 2 3 ये पास है, 1 2 1 2 1 2, इस तरह से ये सारे पासेस लगे हुए हैं। ठीक है, अब अगर इन दोनों में से किसी पास के दरमियान, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि फ्यूजन नहीं है, ये अंदर आ गई ना, तो अब ये क्या होगी? लैक ऑफ इंटर रन फ्यूजन, करंट यानी फ्यूजन। दो रन्स के दरमियान फ्यूजन नहीं हो सकी। ओके, क्लियर है जी? ये अगेन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी और स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट है ये भी। अब फेस साइड के लिए, फेस साइड के लिए याद रखना है कि ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। ओके, यहाँ पे अगर लैक ऑफ फ्यूजन आ रही है, चाहे वो लैक ऑफ साइड वॉल है या ऊपर वाली साइड पे कहीं लैक ऑफ इंटर एंड फ्यूजन आ जाती है, तो फेस साइड की लैक ऑफ फ्यूजन के डिफेक्ट के लिए लाजिम है कि जितनी लेंथ इनकी आएगी, इनके साथ एक और डिफेक्ट है जो लाजिम मलजूम है, ये आना ही आना साथ में, वो है अंडरफिल, या उसको इनकम्प्लीटली फिल्ड ग्रूव कहते हैं। मुझे ये देख के बता सकते हैं यहाँ पे फिलिंग पूरी है? नहीं नहीं है ना, तो इसलिए अंडरफिल, अंडरफिल कह सकते हो या इनकम्प्लीट फिल कह सकते। अंडर ओके, अंडरफिल बोल लो या इनकम्प्लीटली फिल्ड ग्रुप बोल लो क्या या इनकम्प्लीट फिल बोल लो, ये एक ही चीज है। सकते हैं एग्जाम परस्पेक्टिव से सर, हमें क्या बोलना होगा? तो हम अंडरकट कर सकते हैं सॉरी, जी? इसको अंडरकट कह सकते हैं? भाई का सवाल है। शहजादे, अंडरकट इज समथिंग एल्स। अंडरकट को आप लैक ऑफ फ्यूजन के साथ कभी भी मंसूब कर ही नहीं सकते। अंडरकट की थ्योरी और है, लैक ऑफ फ्यूजन की थ्योरी और है। ठीक है, सर जहां चलिए भी अभी मैं लैक ऑफ आपको ये फ्यूजन, एक्सप्लेन करता हूं कि अंडरकट में और लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन में क्या फर्क है। उस्मान, यस आपको हेलो। नींद आ रही है आई गेस? हाँ सॉरी, बस अच्छा नींद थोड़ी आ रही है जी। ओके, सो मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन और लैक ऑफ इंटर एन फ्यूजन, इन दोनों के साथ, इन दोनों डिफेक्ट के साथ एक डिफेक्ट है जो लाजमी आता ही आता है। हमने जहां पे भी मेजरमेंट इनकी लेनी है, जितनी लेंथ इनकी होगी उतनी ही लेंथ अंडरफिल की भी कंसिडर की जाएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पे लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन मिला है, आपने स्केल लेके उसकी लेंथ मेजर की है, लेंथ आपके पास आ जाती है लेट्स से 30 मिलीमीटर। ओके, तो वो क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं करेगा कि लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन प्लस अंडरफिल का या लैक ऑफ इंटर एन फ्यूजन प्लस अंडरफिल का क्वेश्चन। अंडरफिल का क्वेश्चन सेपरेट होगा, लैक ऑफ फ्यूजन का क्वेश्चन सेपरेट होगा। ओके, लेकिन लेंथ दोनों की सेम है, लेंथ दोनों की सेम है, सेम लेंथ अच्छा कंसिडर होगी। अगर 30 आप लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन के ले रहे हो तो 30 ही अंडरफिल की भी कंसिडर की जाएगी।
उसके साथ ही ये डिफेक्ट आ रहा है ना, साइड भी फ्यूज नहीं है, साइड भी फ्यूज नहीं है, फिलिंग भी नहीं है, तो वो दोनों डिफेक्ट फिर एक ही लेंथ के होंगे ना, डिफर तो नहीं करेंगे। सही है, जहां पे भी लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन हो या लैक ऑफ इंटरन फ्यूजन हो, इनके साथ लाजिम है ये डिफेक्ट इनकी सेम लेंथ का आएगा। ओके ये क्वेश्चन आता है अक्सर यस, सर, ये लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन और इंटर के साथ आप बोल रहे हैं कि तीसरा डिफेक्ट जो आएगा वो लेंथ। तो ये देखो आप लोगों को मैं ना बना के ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। लेट्स से ये मेरी बीड जा रही है, यहाँ से इतने इतने हिस्से पे ये वाला पोर्शन छूट गया। अब ये वाला जो पोर्शन है ना यहाँ पे, ये मेरी लेट्स से पूरी वेल्डिंग की बीड है, ठीक है। इतना इतना एरिया क्या है, लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन। यहाँ से साइड जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, यहाँ पे फिलिंग नहीं है। अब यहाँ से मुझे साइड भी नजर आ रही है, फिलिंग भी नहीं है, तो क्या करूँ? यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफेक्ट कंसिडर करूँ या दोनों को करूँगा? दोनों ही होंगे सर। हाँ यहाँ पे लेट्स से इसकी टोटल लेंथ आती है मेरे पास 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर आ जाती है। 20 मिलीमीटर पे मुझे ये साइड जो है प्रिपरेशन की साइड ये भी नजर आ रही है, और यहाँ पे फिलिंग भी प्रॉपर नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ? यहाँ पे लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन ले लूँ बस, अंडर फिल भी लेंगे, राइट। अगर यही केस कहीं पे लाइक इस तरह से 2 रन्स में आ जाता है, 2 रन्स में जाके ये फिर आगे जाके ये ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है, ये इतना इतना जो पार्ट अंदर छूटा है ये लैक ऑफ इंटरन फ्यूजन है, इसके साथ ही अंडर फिल भी कंसिडर होगा। ओके ओके। यहाँ भी जो ये 2 डिफेक्ट होंगे उनके साथ ये तीसरा डिफेक्ट जो है ये लाजिम इंक्लूड हो है, जाएगा आपने इसको लाजिम अंदर कंसिडर करना ही करना। जैसे ये देख रहे हैं फील, नजर यानी आ रहा है आपको, लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन के साथ अंडर कट, अंडर फिल, अंडर अंडर कट फील, नहीं, अंडर फिल उस्मान। अंडर फील भाई, सो ये अंडर देख लेना, फील। यहाँ पे लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन भी है, अंडर फिल भी है, और अगर आप गौर से इस जगह पे देखें, इस स्पेसिफिक जगह पे ये जो पिक्चर दी हुई है, इसको आप जूम करके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अंदर आपको स्लैग बेटर एंट्रैपमेंट भी मिल स्लैग। जाएगी, स्लैग भी अंदर एंट्रैप हुआ हुआ। हाँ जी, ओके देन यहाँ पे देख ले जरा, तो ये क्या आपके पास आ रहे हैं? दिस इज लैक ये ऑफ है साइड वॉल, साइड वॉल फ्यूजन, ये मेरे साइड पास वॉल। अंडर कट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये प्रिपरेशन का डैमेज है, ये इतना इतना हिस्सा प्रिपेयर करते हुए या बेवल करते हुए डैमेज लगा हुआ है, ये सारा बाकी लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन है। अब अंडरकट में और लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन में क्या फर्क होता है, और ये इकट्ठे क्यों नहीं आ सकते? अब इसकी थ्योरी भी सुन लो जरा, यहाँ पे अंडरकट की शेप देख लो, और ये बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट एज को चेक कर लो, ये लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन है, ये नीचे अंडरकट है। अंडरकट कब आता है? अंडरकट तब आएगा जब आपका इलेक्ट्रोड पर्पसफुली आपके पेरेंट मेटल को उस प्रिपरेशन की साइड को टच करके वहां से काटना शुरू कर देगा मेटल को। तो मुझे ये बताओ कि जब इलेक्ट्रोड लग गया उस जगह पे, अब वहां पे लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन होगी? साइड तो फ्यूज हो गई ना, नहीं। साइड तो लग के कटी है ना वहां से, तो वहां पे हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन प्लस अंडरकट, नो दिस इज रॉन्ग अप्रोच, राइट। लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन तब होगा जब बिल्कुल स्ट्रेट एज होगा, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई टचिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको आप लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन बोलोगे। जहां पे आपको नेल शेप इस तरह की कटिंग नजर आना शुरू हो जाए,
उसको क्या बोलेंगे? अंडरकट। इसको क्लियर? नाखून मार मार के चेक भी कर रहे होते हैं, हमने देखा नाखून मार मार के साजिद वो है। क्यों चेक करते हैं? वो चेक करते हैं इसलिए कि चेक किया जाए ये शार्प है या स्मूथ है। अगर नाखून अटक जाता है तो उसको शार्प कंसिडर करते हैं, अगर नहीं अटकता है तो उसको स्मूथ करते हैं। सर अंडर कट की जो मेजरमेंट है मुकम्मल लेंगे मतलब क्या? कंप्लीट, जहां तक कटिंग आ रही है वहां तक मेजरमेंट लोगे आप, अगर एक अंडर कट स्टार्ट में और एक लास्ट पे जा रहे हो तो तो उनको ऐड ऐड करेंगे ना, कर उनको लेंगे। ऐड कर लेंगे। चाहे वो बीड के अपर साइड पे आ रहा है, चाहे वो बीड के लोअर साइड पे आ रहा है, जहां पे भी आ रहा है, आपने जब एग्जाम देना है तो एग्जाम में जो आपका सेगमेंट होगा ना, उसको आपने फेस साइड से भी चेक करना है, रूट साइड से भी चेक करना है। फेस के अंडरकट, रूट के अंडरकट आप अकोमोडेट करोगे। ओके, सर बॉटम में कितना लंबा अंडरकट है या ये पूरा शुरू में तो लेग ऑफ साइड बोन है उसके बाद अंडरकट है राइट? बॉटम में बॉटम में ये अंडरकट है, ये अंडरकट है, ये अंडरकट आ रहा है। से पहले सर लेग इसकी ऑफ इंडिविजुअली लेग जो है। पहले अंडरकट कुछ की नहीं, लेंथ मेजर करेंगे सर, ये अंडरकट्स की जो लेंथ मेजर करेंगे तो ये अलग 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 मतलब अकोमोडेट करके करेंगे या एक ही मतलब उससे? नहीं, आप इसको सेपरेटली, लेंथ को सेपरेटली मेजर करोगे। कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप साथ में लेंथ को प्लस करते जाओ जहां जहां से आप लेते जा रहे हो। ठीक ठीक है है, जी सर। अगर तो ये कंटिन्यूअस चल रहा है ना, फिर तो एक साथ ही लेंथ आएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है, फिर थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ पे आ रहा है, फिर थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ पे आ रहा है, तो आप इन तीनों जगह से एग्जैक्ट उसकी लेंथ मेजर करोगे और उसको जमा कर दोगे, बस दैट्स इट। जी सर ठीक है ओके, ओके सर। और ये भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट जनरेट करता है, इसलिए इसको भी डिफेक्ट में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट जनरेट करेगा और क्रैकिंग की तरफ लेके जाएगा। सो कॉजेस क्या है इसके? एक्सेसिव वेल्डिंग करंट की वजह से, वेल्डिंग स्पीड ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोड पे कंट्रोल नहीं रहता वेल्डर का, तो वो साइड्स को टच करना शुरू कर देता है, या एक्सेसिव वीविंग करने की वजह से, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोड को इस तरह वीव करने की वजह से भी अंडरकट होना शुरू हो जाते हैं, इनकरेक्ट इलेक्ट्रोड या टॉर्च एंगल होने की वजह से, या फिर इलेक्ट्रोड जो है वो प्रिपरेशन के लिए ज्यादा लार्ज डाया का होगा, तो फिर भी इसमें अंडरकट आने के चांसेस बन जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे देख लें, ये भी अंडरकट्स हैं, अगेन अंडरकट, अंडरकट, राइट। सो स्ट्रेस पर भी कंसंट्रेशन पॉइंट, और इनसे थिकनेस रिड्यूस हो जाती है आपके मटेरियल की। ऊपर भी है ना, टॉप जी, में बिल्कुल, भी ये है ऊपर भी है ना, टॉप पे भी है। अब शार्प में और स्मूथ में क्या फर्क है? जब ये ग्रूव्स आपको बहुत बड़े बड़े नजर आना शुरू हो जाएं, लाइक ये कर्व देख रहे हैं, इस तरह के कर्व्स नजर आएंगे, शार्प होंगे। ये जो है ये छोटे छोटे से हैं, इसको हम स्मूथ में कंसिडर करेंगे। पोरोसिटी आपके एग्जाम में इंक्लूडेड नहीं है। पोरोसिटी इज अ डिफेक्ट इन वेल्डमेंट्स, लेकिन आपके एग्जाम में पोरोसिटी के लिए कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आपके एग्जाम में बन थ्रू के लिए कोई क्वेश्चन नहीं होगा। क्रैक्स के लिए पता कोई क्वेश्चन नहीं होगा, राइट? बन थ्रू का क्वेश्चन दिया होगा, लेकिन एज सच आपको सैंपल में वो मिलेगा नहीं। ओके, नहीं। नॉट ऑब्जर्व नहीं, आप उसको सिलेक्ट करेंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिकल का तरीका बताऊंगा किस तरह से आपने उसको अटेम्प्ट करना है, आप उसी तरह से उसको प्लॉट करोगे। सर ओके आपने पिछली चीज क्रैक बोली है। जी, क्रैक आपके एग्जाम में इंक्लूड नहीं है, बन थ्रू आपके एग्जाम में इंक्लूड नहीं है, राइट? पोरोसिटी आपके एग्जाम में इंक्लूड नहीं है, एंगुलर डिस्टॉर्शन आपके एग्जाम में इंक्लूड नहीं है, मिस अलाइनमेंट आपके एग्जाम में इंक्लूड नहीं है। एयरपोर्ट ये तो सारे खत्म हो गए फिर तो। ये तो लाइक लैक ऑफ साइड वाल फ्यूजन रह आपने, गया अभी मैं दो आपको तीन। बता देता हूं ना,
आपने सिर्फ टोटल आपके क्राइटेरिया में 13 डिफेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें 12 नंबर पे है बन थ्रू, बन थ्रू को भी निकाल दें वो भी नहीं होगा, ठीक है, तो बाकी रह गए 12 डिफेक्ट। आपने सिर्फ उन 12 डिफेक्ट को देखना है, उसके अलावा आपको अपने सैंपल में कुछ भी नजर आता है आप उसको इग्नोर करेंगे, ओके, आपने उसको कंसिडर ही नहीं करना क्योंकि उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे एज इट इज, राइट। जो डिफेक्ट आपके क्राइटेरिया में गिवन है उनके लिए अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट होगी, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्लॉटिंग करनी है, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, राइट। तो फ्रॉस्टी किस वजह से आती है? फ्रॉस्टी की वजह है एक्सेसिव मॉइस्चर इन फ्लक्स और प्रिपरेशन। मॉइस्चर होने की वजह से प्रोसिटी आती है, मॉइस्चर कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ फ्लक्स या फिर कुछ आपके पास प्रिपरेशन ऐसी होती हैं जिनके अंदर मॉइस्चर होता है, राइट, या कोई आपकी जो मेंबर है वो किसी ऐसी जगह पे पड़ा है जहाँ पे मॉइस्चर है या वेट कंडीशन में पड़ा हुआ है, तो वहां पे क्या होगा, मॉइस्चर की वजह से पोर्स आने शुरू हो जाएंगे, पोरोसिटी आनी शुरू हो जाएगी, राइट। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मॉइस्चर सेंसिटिव। क्या यूज करते हैं? मॉइस्चर सेंसिटिव ऐसी अरेंजमेंट सेंसिटिव या ऐसी प्रिपरेशन या ऐसी कंपोजिशन जो के मॉइस्चर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रही हो, कंटेमिनेटेड प्रिपरेशन हमारे पास जितने भी नॉर्मली वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं उनके अंदर क्या यूज हो रहा है, किसी में फ्लक्स यूज हो रहा है, किसी के ऊपर फ्लक्स की कवरिंग यूज हो रही है, ठीक है। अब उसमें कुछ कंपोजिशन ऐसी होती हैं जो कि मॉइस्चर पिकअप रखती हैं, वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं, और सिर्फ मॉइस्चर का सोर्स ये नहीं है कि कोई वेट कंडीशन होगी वहां से आएगा, मॉइस्चर आपके फिजा में आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद है इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, तो ऐसी कंपोजिशन जो है वो आपके एटमॉस्फेयर से भी मॉइस्चर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, ओके। कंटेमिनेटेड प्रिपरेशन होने की वजह से आता है, लो वेल्डिंग करंट की वजह से ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी आर्क लेंथ टू लॉन्ग हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आप शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हो ना अपने वेल्ड को एटमॉस्फेरिक गैसेस से जो बचा रहे हो, वो गैसेस अंदर आएंगी, पोरोसिटी कॉज कर देंगी, जहां पे शील्डिंग गैस हटी वहीं पे एटमॉस्फेयर से गैसेस अंदर आएंगी, वो पूरी बीड आपकी पोरोसिटी से भर जाएगी, ओके। डैमेज इलेक्ट्रोड फ्लक्स की वजह से भी आपकी शील्डिंग गैस प्रॉपर नहीं बनेगी, तो उसकी वजह से भी आएगी एंड रिमूवल ऑफ अगेन गैस शील्ड। ये शील्डिंग गैस आप जब भी रिमूव करते हो उसका रिजल्ट क्या होता है, पोरोसिटी, ओके। अच्छा, यहाँ पे और कोई डिफेक्ट नजर आ रहा है आपको ऊपर? ये बड़ा क्लियरली डिफाइंड लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन है, ये देख रहे हैं, कहीं जी से भी एजेस का ऐसा नहीं है कि वो उस पे कोई मेल्टिंग हुई हो या उस पे कोई नेल शेप कट पड़े हो, ये बिल्कुल क्लियर है, स्ट्रेट है बिल्कुल, ओके। हाँ, सर ये साइड वाल फ्यूजन होगी, लैक ऑफ साइड वाल। मैंने अभी क्या बोला?
बच्चे ये जरा गौर कर लो यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन है ना, या तो ये स्ट्रेट रहेगी या यहाँ से कट जाएगी, दो ही काम होंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन भी रहे और यहाँ से ऊपर कट भी पड़ जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? करना अगर भी स्ट्रेट रहेगी पड़ेगा, तो ये लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन होगी, अगर कट लग जाएगा तो ये अंडर कट होगा। अंडरकट कंसिडर होगा, दैट्स इट, दिस इज वेरी क्लियर। दूसरा तीसरा क्वेश्चन सर, ये जो पोरोसिटी आप बता रहे हैं ये सरफेस पोरोसिटी है, और एक और भी जो इनसाइड भी होती है जब ऑब्वियसली इनसाइड फ्यूजन भी आती होती है है वेलोसिटी वो एनडीटी से होगी चेक। जी, वो एंटिटी से चेक करेंगे। जरूरी नहीं है एंटिटी सिर्फ हो, उसमें आपकी मैक्रो टेस्टिंग भी हो सकती है, आप उसको डिस्ट्रक्टिवली भी टेस्ट कर सकते हो, मैक्रो टेस्टिंग में भी विजिबल हो जाती है। सो पोरोसिटी अगेन स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट है, तो पॉसिबली क्रैक प्रोपगेशन हो सकती है इससे, आर्क स्ट्राइक्स। अच्छा अब ये देख रहे हैं ये एक एरिया पे लगी हुई आर्क स्ट्राइक है। सो इलेक्ट्रोड स्ट्रेइंग ऑन टू द पेरेंट मेटल, बिला वजह जो बाजूकात इलेक्ट्रोड निकल जाता है ना पेरेंट मेटल पे उसकी वजह से, या फिर इलेक्ट्रोड होल्डर की इंसुलेशन पुअर है उसकी वजह से, या फिर अगर आपका अर्थ क्लैंप प्रॉपर नहीं लगा तो उसकी वजह से भी आर्क स्ट्रे कर जाती है, वो निकल जाता है, वर्क पीस पे चला जाता है, जिसको हम आर्क स्ट्राइक कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट को कभी भी अलो नहीं किया जाता हाई इंटेग्रिटी एप्लीकेशंस पे, राइट? रीजन क्या होती है, ये मटेरियल की हार्डनेस बढ़ा देता है, जहां पे भी ये लगेगा यहाँ पे हमारे पास एक बीड है, सिर्फ इस बीड के अंदर हीट लगेगी तो उसके साथ का कुछ जोन जो है वो हीट अफेक्टेड जोन में कन्वर्ट होगा, लेकिन जब आपके मेंबर पे ये आपकी बीड है उससे हटके एक साइड पे जाके फिर से आग लग रही है, तो वहां पे क्या जाएगा, पूरी हीट इनपुट जाएगी। जब पूरी हीट इनपुट जाएगी तो आपको क्या लगता है कि नीचे कोई हीट अफेक्टेड जोन नहीं बनेगा या साइड्स पे नहीं बनेगा? तो हीट अफेक्टेड जोन बनने की वजह से क्या होगा, एक तो पहले की हार्डनेस, अब इसकी हार्डनेस जो कंपाइल होगी तो वो अगर आपकी हार्डनेस की रिक्वायरमेंट से बढ़ गई तो क्या होगा, मटेरियल में ब्रिटल क्रैक आ जाएगा। ओके सर, ये जो ऑरेंज पील तरह दाने बनते हैं उसके ऊपर पेंटिंग करनी सर, वो जो दाने बनते हैं लोहे की प्लेट के ऊपर, वो प्लेट के ऊपर जो पड़े हैं, ये उसकी बात हो रही है इस टाइम। अगर है, ये फोर्सी भी करंट जो होता है उसके लिए ना, जो पहले साइड में मारता है, ये ऑरेंज पील की कैसे रिजेम्बलेंस दे रहा है आपको? ये तो बहुत जूम इन करके हम देखते ये हैं। बहुत जूम इन करके नहीं है, ये सही एक्यूरेट पिक्चर है। ये सर कैसे बनती है? इलेक्ट्रोड लगने से उसको एक बीड से बार हटा वेल्डर के के फिर हाथ से मेटल भी पे लग लगाना जाता है शुरू कर दो। करेंगे। ये देखो ना, ये आपकी प्लेट है, लेट्स से ये आपकी प्लेट है, इसकी ये वेल्डिंग बीड है, ये आपकी वेल्डिंग बीड जा रही है, तो यहां से इसका ये वाला हिस्सा सारा इतना इतना हिस्सा ठीक क्या होगा, हीट अफेक्टेड जोन बन जाएगा। ऊपर वाली साइड से भी, नीचे वाली साइड से भी, ठीक है? अब यहाँ पे लेट्स से किसी जगह पे इधर एक आर्क स्ट्राइक लग जाती है, ये आर्क स्ट्राइक लग गई ना तो अब इसका भी पूरा एरिया कंसिडर होगा, ये पूरा एरिया कंसिडर होगा, लेंथ इनटू विड्थ। अगर एक और मिल जाती है इस तरह मिल जाती है तो इसका भी पूरा एरिया कंसिडर होगा आपका, ठीक है? अब ये एक हीट अफेक्टेड जोन आपकी वेल्ड बीड का, एक इस आर्क स्ट्राइक का, एक इस आर्क स्ट्राइक का,
लेट्स से आपको जो हार्डनेस फिगर वैल्यू जो है वो अलाउड है, कोड आपको अलाउ करता है 350, आपकी जा रही है 400 पे, एक्सेप्ट करोगे? रिजेक्ट रिजेक्ट होगी ना, रिजेक्ट करने से पहले क्रैक कर जाएगा। समझ आई? वो क्रैक क्यों होगा? क्योंकि हार्डनेस की जो आपको वैल्यू रिक्वायर थी, आपकी हार्डनेस तो उससे एक्सीड कर रही है। समझ आई? सो ये डायरेक्टली लीड करती है क्रैकिंग की तरफ, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी पोटेंशियल डिफेक्ट। अच्छा क्लियर एक क्वेश्चन है इसमें सर, जी? व्हाट डिफरेंस बिटवीन आर्क स्ट्राइक एंड स्पैटर्स? देयर इज अ वेरी मेजर डिफरेंस। इलेक्ट्रोड आप पर्पसफुली जब लगा रहे हो ना, या अनपर्पसफुली आप लगा देते हो अपनी बीड पे, वो तो आएगी आर्क स्ट्राइक। स्पैटर तो ओके छींटे, स्पैटर तो छींटे उड़ के साइडों पे गिर जाते हैं। आपकी जब वो तो करंट मैं एक्सेसिवली एक्सेसिव करंट होती है ना, उसकी वजह से वेल्डिंग करते हुए जो छींटे उड़ के गिरते हैं वो स्पैटर कहलाता है। तो मेल्ट हो स्पैटर जाते हैं। सेम टेम्परेचर पे नहीं होते? स्पैटर का टेम्परेचर और आर्क स्ट्राइक का टेम्परेचर और स्ट्रेसेस सेम नहीं होगी, या उसका हीट इफेक्ट जोन नहीं बनेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका ओके, बेस मेटल वो स्पैटर पेरेंट मेटल के साथ जो गर्म हो के, जो है आपका स्पैटर का टेम्परेचर, जब उसने उड़ के गिरना है ना, बीड कितनी देर में सॉलिड हो जाती है? विद इन सेकेंड्स, नैनो सेकंड से। विद इन सेकेंड्स आपकी बीड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाती है। तो स्पैटर जब छींटा उड़ेगा, उड़ के गिरने तक और ऊपर लगने तक उसका टेम्परेचर बहुत डाउन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आर्क स्ट्राइक में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोड डायरेक्ट ये लगा, ये लग के आगे तक जा रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट आपकी हीट इनपुट इंड्यूस हो रही है। स्पैटर में डायरेक्ट इलेक्ट्रोड नहीं लग रहा, तो अगर स्पैटर हॉट टेम्परेचर पे भी लग जाता है तब भी उसका इफेक्ट नहीं होगा वो। ओके 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 ओके। सर, ये आर स्ट्राइक का पूछना था, दोबारा सवाल था इसमें इमरान, क्या पूछना है आर्क स्ट्राइक का? सर, ये के मतलब वो बीड के अलावा अगर मतलब किसी अच्छा, ये और नजर जगह आ पे रहा है, डायरेक्ट। जी जी ये देख रहे हो, ये जी आर्क जी स्ट्राइक लगी हुई है, ये अच्छा, ये देख लो। गलती से लग गया ऊपर। हाँ जी जी जी, ये साइड पे निकल जाता ठीक है। है। बाज़ औक़ात ये मटेरियल में प्रॉब्लम होने की वजह से भी होता है। मटेरियल में प्रॉब्लम कैसे होती है? कुछ मैग्नेटिक मटेरियल होते ठीक, हैं, और छींटे अगर ऊपर चले जाए तो उसमें। जी वो स्पैटर कहलाता है। ठीक ठीक है, है, राइट ये जो आपको लगी हुई नजर आ रही है ना, सर, ये ठीक है आर्क स्ट्राइक है। क्लियर? ठीक है, राइट सर। सो ये हॉट स्पॉट फॉर्म करता है इन द मटेरियल दैट कॉज क्रैक इनिशिएशन एंड प्रोपगेशन। ये हार्ड आर्टिकल स्पैटर नाम तो कोई स्पैटर कोरोजन की तरफ लीड कर सकता है, अगर उसमें कोई इंट्रैपमेंट है तो वो फिर उसकी वजह से क्रेविस कोरोजन जो है वो आगे प्रोसीड करना स्टार्ट कर देती है। कोरोजन बन सकती है स्पैटर की वजह से, हार्ड स्पॉट नहीं बनते। अच्छा स्पैटर नॉर्मली भी कॉस्मेटिक इम्परफेक्शन है, उसको हम इम्परफेक्शन कहते हैं, डिफेक्ट नहीं है। आपने ग्राइंडिंग करके ऊपर से स्मूथ कर देना होता है, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। स्पैटर कभी भी डिफेक्ट में नहीं आता इसके आर्टिकल की लेंथ दोनों काम कर रही है। जी। करेक्टली प्लेस टैक वेल्ड। सो टैक वेल्ड की प्लेस जो है वो एक्यूरेट होती है और डिफाइंड होती है। ओके, टैक वेल्ड कभी भी अनपर्पसफुली नहीं आता। टैक वेल्ड कितना लगाना है, कहाँ पे लगाना है, उसकी लोकेशन और उसकी लेंथ डिफाइंड होती है। ऐसा नहीं कि जहां पे दिल किया अटैकिंग कर दी, ऐसा नहीं होता। आर्क स्ट्राइक रैंडम पोजीशन पे आती है, जबकि टैक वेल्ड की पोजीशन डिफाइंड होती है। ये इन दोनों में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। ओके, और टैकिंग की भी जाती जो है वो बैकिंग की प्लेट लगाते हैं, तो उसको होल्ड करने के लिए टैक दिया जाता है। ओके, अच्छा सो ये डिफरेंस है इनमें। आर्क स्ट्राइक रैंडम एंड इररेगुलर। और एक और चीज, जहां पे आर्क स्ट्राइक लगे ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे
ये चीज कटी हुई नजर आ रही है तो उसको अंडरकट में लेना शुरू कर दो। सो डू नॉट काउंट द अंडरकट इन योर असेसमेंट, यानी जब आप आर्क स्ट्राइक को देखो तो वो सिर्फ आर्क स्ट्राइक होगी, अंडरकट नहीं होगा। और टैक वेल्ड इज यूनिफॉर्म एंड पर्पजली अप्लाइड। ओके, पर्पजली अप्लाइड मींस आपने खुद जानबूझ के वो लगाया है, आर्क स्ट्राइक आपने जानबूझ के नहीं लगाई। राइट, कैन ऑल्सो बी फ्लैट साइडेड फ्रॉम अ टेम्पररी अटैचमेंट बींग इनकरेक्टली रिमूव। तो एक अगर आपने टेम्पररी अटैचमेंट की है तो हो सकता है कि इसकी एक साइड बिल्कुल स्ट्रेट हो, यानी अभी तो ये दोनों साइडें कर्वी ही आपको नजर आ रही है ना, तो माइट पॉसिबल जब प्लेट कोई लगी होगी या अटैचमेंट होगी तो फिर ऑब्वियस है कि वो तो उसकी लेंथ तो आगे तक जाएगी ना, तो जितना आपने टैग करके उसको ज्वाइन किया है उतना उतना उसका हिस्सा जब आप उस प्लेट को रिमूव करते हो या उस बैकिंग को रिमूव करते हो तो इसका ये वाला हिस्सा बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ओके, तो जैसे ये नजर आ रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल फ्लैट हुआ हुआ है, ये नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल फ्लैट हुआ हुआ है। राइट, नाउ स्लैग इंक्लूजन। अब ये स्लैग इंक्लूजन मैंने आपको बताया कि किस तरह से आती है स्लैग इंक्लूजन। जब भी स्लैग की एंट्रैपमेंट हो जाए, आप उसको क्लीन नहीं करते, क्लीन किए बगैर ज्वाइंट लगा देते हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, स्लैग इंक्लूजन। सो इनसफिशियंट क्लीनिंग बिटवीन पासेस, कंटेमिनेटेड वेल्ड प्रिपरेशन की वजह से, इरेगुलर प्रोफाइल पर वेल्ड करने की वजह से स्लैग एंड ट्रैप हो सकता है, वेल्डिंग स्पीड करेक्ट ना होने की वजह से और आर्क लेंथ टू लॉन्ग होने की वजह से स्लैग एंड ट्रैपमेंट आती है। अब ये जरा मुझे देख के बता सकते हो ये क्या है? एक तो पोरोसिटी है, क्लस्टर ये पोरोसिटी तो नहीं सही जिस इसमें। जिसने क्लस्टर पोरोसिटी बोला ना उनको मेरा सलाम। मुझे ये बताओ, पोरोसिटी बीड के ऊपर होती है या बीड के साइड पे होती है? लीडर के पोरोसिटी ऊपर होती है, अपर लेकिन सर ये साइड कोई, पे आएगी या साइड में आएगी? लेकिन सर ये कोई गैस इंट्रैपमेंट तो दोनों, लग रही है, गैस ये साइड वाल फ्यूजन है गैस और एंट्रैपमेंट नहीं है अनकल्ड यहाँ पे का साजिद। ये सर। मैं कह रहा हूं यहाँ यस पे गैस एंट्रैपमेंट नहीं है, पोरोसिटी की प्लेस ऑन द बीड है, ऑन द बीड, ऑन द सरफेस। अगर यस सर ये यार। साइड पे होगी ना तो ये इन दी रन आएगी, ठीक अच्छा है, इंडिया, किसी रन के दरमियान एंट्रैप हुई, वो लैक ऑफ इंटर रन फ्यूजन में आ सकती है। जी सर। अगर आप सरफेस पे देखोगे उसको, अगर आपको विजुअली ये नजर आ रही है तो फिर ये यहाँ पे आएगी, इस बीड पे आएगी, साइड पे नहीं जाएगी। साइड पे ये टो वाली जगह जो है, इस जगह पे हमेशा स्लैग की एंट्रैपमेंट होती है। ओके, राइट सर। स्लैग स्लैग सर एंट्रैपमेंट ऑफ गैसेस ही बोलेंगे ना किसको? इसको, ये जो दिख रहा है ये एंट्रैपमेंट ऑफ गैसेस है ना, एंट्रैपमेंट। ये स्लैग की बात हो रही है, गैसेस ठीक है, नहीं, ऊपर पढ़ो जरा स्लैग, सांबा, ये क्या लिखा हुआ है? स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन। तो यहाँ पे देख क्या दे रहा है, स्लैग इंक्लूजन, और साथ में आपको एक और नोट भी दे रहा है कि यहाँ पे लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन भी है, अंडर फिल भी है। तो अंडर फिल में क्या इंट्रैप होता है? पोरोसिटी इंट्रैप होती है।
नहीं स्लैग एंड ट्रैप होता है, समझ आई? लास्ट यस पे हमने अभी लैक ऑफ इंटर एंड फ्यूजन में भी एक स्लैग एंट्रैपमेंट देखी जी थी, एक बिल्कुल माइनर सी प्लेस पे लैक ऑफ इंटर एंड फ्यूजन में भी स्लैग एंट्रैपमेंट है। ओके ओके सो अगेन, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट है, एंड इट विल रिड्यूस वेल्ड मेटल एरिया। सर। अब आ जाते हैं रूट वाली साइड पे। रूट साइड पे अगर आपको दोनों रूट फेस विजिबल है, यानी आपने ऊपर से इलेक्ट्रोड को पेनेट्रेट करवाया लेकिन इलेक्ट्रोड पेनेट्रेट ही नहीं हुआ, इसको क्या बोलेंगे? लैक ऑफ रूट। डिप्रेशन और इसका मैंने हल आपको क्या बताया था? पहला पास आपका लगता है ना रूट में, दैट इज अ रूट पास। रूट को ज्वाइन करना सबसे इनिशियल पर्पस होता है आपका। रूट ज्वाइन होगी तभी आगे वेल्डिंग बढ़ेगी। तो रूट अगर आपकी प्रॉपर नहीं लगी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फौरी तौर पे कटआउट कर दें। नहीं सर, पहले इसको हम लगाएंगे हॉट दोबारा पास। तो हॉट पास की टेक्निक जी इसको खत्म करने के लिए या इसको मिनिमाइज करने के लिए यूज की जाती है, बट आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा ये लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन भी और लैक ऑफ रूट फ्यूजन भी। तो इसकी सिंपल सी एक इंडिकेशन है, अगर आपको रूट साइड पे वेल्ड मेटल नजर ही नहीं आता, यानी दोनों जो स्ट्रेट फेस हैं वो दोनों नजर आ रहे हैं आपको, वो क्या है? लैक ऑफ रूट पेनेट्रेशन, जैसे ये है, पेनिट्रेशन इसको देख रहे हैं, जी सर। यहाँ पे वेल्ड मेटल है, इधर वेल्ड मेटल है लेकिन अंदर कोई वेल्ड मेटल नहीं है। तो जब आपको दोनों रूट फेस इस तरह स्ट्रेट विजिबल हो, उसको क्या बोलेंगे? लैक ऑफ लैक रूट ऑफ रूट पेनिट्रेशन। पेनेट्रेशन, राइट? लेकिन ये दूसरी तरफ से नजर आएगा ना। जी, आपने इसको रूट साइड से देखना है ना, रूट का डिफेक्ट है, हम इसको रूट साइड से देखेंगे। और अगर ये डिफेक्ट आपको, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा वेल्ड मेटल आ जाता है, ये जगह सारी फिल हो जाती है, ये वाली जगह कंप्लीट फिल हो गई, ये वाला रूट फेस भी ज्वाइन हो गया। ओके, अब बाकी रह जाता है नीचे वाला हिस्सा। अब अगर एक रूट फेस ज्वाइन हो गया, एक नहीं हुआ, इसको क्या बोलोगे? इसको भी यही बोलेंगे यही कि यही बोलेंगे फ्यूजन बोलेंगे सर, ब्लैक बच्चे जब जहन में रख लो, जब दोनों रूट फेस विजिबल हो तो लैक ऑफ रूट पेनेट्रेशन। पेनिट्रेशन। अगर एक विजिबल है, एक पे वेल्ड मेटल ज्वाइन हुआ हुआ है, उसको क्या बोलोगे? लैक ऑफ रूट फ्यूजन। लैक ये खुदारा एक लैक मेहरबानी करना मेरे ऊपर, मैंने आपको लैक ऑफ फ्यूजन के तीन डिफेक्ट बताए हैं और उसमें आपने आपको फ्यूजन। मैंने क्लियरली डिफाइन किया है कि उसमें दो डिफेक्ट फेस साइड के हैं, एक डिफेक्ट रूट साइड का है। जी ये जो सर रूट साइड वाला है ये वही डिफेक्ट है, लैक रूट ऑफ रूट फ्यूजन। फ्यूजन, लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन का, लैक ऑफ इंटरनल फ्यूजन का रूट साइड पे कोई काम नहीं है, वो फेस साइड के डिफेक्ट है। अंडर फिल का रूट में कोई काम नहीं है, अंडर फिल फेस साइड का डिफेक्ट है, लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन फेस साइड का डिफेक्ट है, लैक ऑफ इंटरनल फ्यूजन फेस साइड का डिफेक्ट है। ओके, रूट के जितने भी डिफेक्ट होंगे उनके साथ स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया जाता है रूट का। क्लियर? यस सर रूट फ्यूजन। सो यहां से क्रोयन हो सकती है, क्रोयन क्रैकिंग आगे, और स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट भी है तो क्रैकिंग हो सकती है यहां से।
अगर एक विजिबल स्ट्रेट है जो होगा फ्रॉम दी ओरिजिनल ज्वाइंट प्रिपरेशन, यानी जो आपने रूट फेस बनाया है, अगर वो एक आपको विजिबल है, एक के ऊपर मेटल की ज्वाइनिंग हो गई है, उसको क्या बोलोगे? लैक ऑफ रूट फ्यूजन, जैसे यहां पे ये नजर आ रही है। क्लियर क्लियर? कनकेविटी, कनकेविटी में कोई क्लियरली डिफाइंड स्ट्रेट एज, एजेस आपको नजर नहीं आएंगे, दीज आर, सो देर इज नो लैक ऑफ रूट पेनेट्रेशन, देर इज नो लैक ऑफ रूट फ्यूजन। कनकेविटी कब होगी? ये दोनों मेंबर जरा देख के बताओ मुझे, एक लेवल सर, पे लग रहे हैं या इनका लेवल आउट है? सर जब आउट है, सर जब खड्डा सा पड़ा होगा तो उसको हम वो कहेंगे। नहीं लेवल आउट है इसका साजिद? सर, वो नीचे है ना, इसलिए कह रहा हूँ वो लेवल सही है, जो हाँ रूट साजिद, अगली बार पे पेनिट्रेशन। तो फिर आते हैं ना, अभी मुझे सिर्फ ये बताओ कि इनका लेवल सेम है या डिफरेंट है। सेम है सर सेम है ना, जी। और यहां से ये आपको डिप्रेशन, ये डेप्थ भी जी नजर आ जी रही है। जी आ रही। सिर्फ इसी एक कंडीशन में आप इसको कनकेविटी कंसिडर करोगे। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंडीशन आ जाती है, एक मेंबर मेरा ये है, एक मेंबर मेरा ये है, और यहां पे मैं बना देता हूं कनकेव। अब बताओ आप, कनकेविटी होगी? नहीं सर, वो तो मिस नहीं लीनियर मिस होगी, अलाइनमेंट क्योंकि यहां पे मिस अलाइनमेंट है। है। मिस अलाइनमेंट पे चाहे उसने आपको कनकेविटी की शेप दी भी हो, तब भी आप उसको कनकेविटी कंसिडर सिटअप नहीं कर नहीं करोगे। क्लियर? क्लियर सर। अच्छा एक और केस, फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक मेंबर इस तरह है और दूसरा मेंबर बिल्कुल इसके साथ लेवल पे आ रहा है। ओके, अब यहां से हम कर देते हैं फिलिंग इसकी। ये फिलिंग हो गई। यहाँ पे यस अगर आप वो आपको शेप कनकेविटी की बना दे, लेकिन आपका जो वेल्ड मेटल है, वेल्ड मेटल बिल्कुल पेरेंट मेटल के लेवल पे है, तो सर, ये लैक ऑफ रूट फ्यूजन भी हो जाएगा और सर रूट लैक ऑफ रूट कंकेविटी भी हो फ्यूजन जाएगा नहीं है इमरान, जी। हमने यहाँ पे ये इसको रूट का क्लियरली फ्यूज का डिफाइन कर दिया कि ये फ्यूज्ड है, तो फिर ये लैक ऑफ रूट फ्यूजन या पेनिट्रेशन कैसे बनेगा? ठीक नहीं बनेगा सर। ओके सर, ठीक है, तो इसको भी फिर रूट कनकेविटी बोलेंगे सर। नहीं, कुछ रूट नहीं कनकेविटी नहीं बोलेंगे होगा। ना, यही तो टेस्ट है, यही तो अच्छा, टेस्ट है यानी आपका, कि आप डिप्रेशन इसको कनकेविटी कंसिडर करते हो या नहीं करते। वो जी। आपको यानी शेप सर अगर कनकेविटी की बना के दे रहे हैं, जी सर, शेप सर ये कनकेविटी की यानी बना अगर के दे रहे हैं। डिप्रेशन बने तो फिर उसको कनकेविटी में कंसीडर करेंगे, अदरवाइज फिर वो उसको नहीं करेंगे। मैं उसी तरफ आ और रहा हूँ फ्यूज इमरान, भी जस्ट है जी। जी लिसन टू सर, मी, कि जी जी सर, यहाँ पे उसने आपको शेप सिर्फ दी है कनकेविटी की, लेकिन लेवल किसके साथ है? पेरेंट मेटल के साथ। तो यहाँ पे आपकी एक कंडीशन, अलाइनमेंट वाली कंडीशन तो पूरी हो गई, लेकिन ये जो डेप्थ वाली कंडीशन है ये तो नहीं फुलफिल हो रही, तो फिर ये राइट कनकेविटी नहीं होगी। कनकेविटी तभी सर। होगी जब मेंबर्स में नंबर वन अलाइनमेंट हो, नंबर टू डेप्थ हो। अच्छा जब ये दोनों चीजें एट अ टाइम मौजूद होंगी, आप सिर्फ एट दैट टाइम उसको कनकेविटी कंसिडर करोगे। अगर इससे हटके कोई भी कंडीशन आती है, वो कनकेविटी में कंसिडर नहीं होगी। क्लियर? है जी। यस सर, सो इसका कॉज क्या होता है? इसको बाज औकात हम श्रिंकेज कैविटी भी कहते हैं। मुझे कोई बता सकता है कि
जब भी आपका मेटल हॉट होता है वो एक्सपैंड कंडीशन में होगा या कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में होगा। जब भी आप किसी एक्सपेंड मटेरियल कंडीशन में को होता है। सही। हॉट करते हो तो वो एक्सपेंशन में जाता है, ऐसा ही है। तो जब वेल्ड हाँ मेटल, जब आप आर्क जलाते हो ना, आर्क जलती है, जो आपका इलेक्ट्रोड है जब वो मेल्ट होता है, मोल्टन मेटल जब ट्रांसफर होगा आपकी भीड़ में, अब वो मेल्ट हुआ हुआ एक्सपेंडेड कंडीशन में होता है, ठीक है। जब वो कूल होगा ना तो कंट्रैक्शन में आएगा, सुकड़ेगा, समझ आई। तो अगर हम फास्ट कूलिंग कर सुकड़ने देंगे पे तो उससे भी हो सकता है, किससे, अगर हम फास्ट कूलिंग कर दें और एक श्रिंकेज आ जाए तो उसकी वजह से भी हो नहीं सकता ऐसा है। नहीं होता, उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन है उसामा, अच्छा दिस इज द कंडीशन, रूट गैप। अच्छा आपने दोनों मेंबर्स को ज्वाइन करना है, ये आप ज्वाइन कर रहे हो उनको, ज्वाइन करने में ये जो डिफरेंस है, आप ये गैप कितना रख रहे हो इस पे डिपेंड करेगा। अगर ये गैप ज्यादा होगा ना तो ऑब्वियस है, जब वेल्ड मेटल हॉट होगा तब तो वो फैला हुआ होगा, तब तो आपको लगेगा कि शायद वो कंप्लीट आ गया हो, लेकिन जब वो कूल होगा ना, कूल होने पे उसने श्रिंक कर श्रिंक जाना, कर। रूट आपकी श्रिंक हो जाएगी, इसलिए इसको श्रिंकेज कैविटी कहते हैं। अगर रूट गैप आप मिनिमाइज रखते हो तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, रूट आपकी एक्यूरेट रहेगी। ओके, इनसफिशिएंट आर्क एनर्जी की वजह से भी होता है, और एक्सेसिव बैक पर्जिंग इन टिक, तो ये जब टिक वेल्डिंग हम स्टडी करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पर्जिंग क्या होती है, ये टिक वेल्डिंग जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये टेक्निक गिवन है, इसको तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा सो दिस इज अ शेप ऑफ कनकेविटी, अलाइनमेंट भी है और डेप्थ भी है, राइट। एक्सेस पेनिट्रेशन, इसका कॉज क्या है, एक्सेसिव एम्पेरेज, मेन रूट कॉज इसका एक्सेसिव एम्पेरेज ही होता है, रूट गैप ज्यादा होने की वजह से और रूट फेस स्मॉल होने की वजह से, फिटअप अच्छा ना होने की वजह से। अगर आप बिल्कुल रूट के फेस को ग्रिंड कर देते हो तो तब भी इलेक्ट्रोड लगते ही बाहर की तरफ पेनेट्रेट करेगा, या फिर इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, इस तरह से ये शो होगी आपको एक्सेस पेनेट्रेशन। रूट में अगर कटिंग इसका होती है, एक्सेस पेनिट्रेशन का कुछ इतना मतलब नुकसान नहीं है, बाद में ग्राइंडिंग करके लेवल कर लेते हैं। जी इसको कर तो लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एग्जाम में आपको ग्राइंडेड सैंपल नहीं दिए जाएंगे, एग्जाम में तो आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, हाँ फील्ड में इसको डिजाइन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाल लिया जाता है। सो रूट गैप टू लार्ज होने की वजह से एक्सेसिव आर्क एनर्जी या स्मॉल और नो रूट फेस, ये सभी वजह बनती हैं रूट अंडरकट की। तो इस तरह से अगर आपको रूट में ये नेल शेप ग्रूव्स नजर आए, इसको क्या बोलेंगे, अंडरकट, ये रूट कटिंग अंडरकट। जो है इसको अंडरकट बोलेंगे। बन थ्रू नॉट इंक्लूडेड इन योर एग्जाम, ये होता किस वजह से, एक्सेसिव एम्पेरेज करने की वजह से, या फिर आपका रूट फेस बिल्कुल ना होने की वजह से इलेक्ट्रोड लगता है और लगते ही क्या करता है, कट करके बाहर की तरफ पेनेट्रेट कर जाता है। ओके, इसको बोलते हैं बर्न थ्रू, बट बर्न थ्रू इज नॉट इंक्लूडेड इन योर एग्जाम। ये क्या है जी, टंगस्टन इंक्लूजन, ये सॉलिड इंक्लूजन है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू टिग वेल्डिंग, सो हम इसको डिस्कस करेंगे टिग वेल्डिंग टेक्निक में। ओके, नाउ फॉर स्टॉप स्टार्ट, पोर स्टॉप स्टार्ट की प्रॉब्लम किधर आती है, मोस्ट ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेसेस में जब आपके वायर्स स्पूल एंड होते हैं, या फिर एमएमएम में जब आपके इलेक्ट्रोड्स अच्छा खत्म होते हैं और दोबारा से बीड को स्टार्ट करना पड़ता है, एक जगह पे छूटा फिर दूसरी जगह पे स्टार्ट किया, या रीपोजिशन होने पे आपको इसको चेक करना पड़ता है, ठीक है। अब इसका नुकसान क्या है, ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट है, ये क्रेटर है, आपको ये नजर आ रहा है, यहाँ पे छूटा अगेन स्टार्ट हुआ तो पिछला वेल्ड का हिस्सा मुझे नजर आ रहा है,
इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, क्रेटर। यहाँ पे भी मुझे वो हिस्सा नजर आ रहा है क्रेटर, यहाँ पे भी नजर आ रहा है ये क्रेटर है। सो वेल्ड रीस्टार्ट यानी पिकअप शुड बी एंटायरली कवर्ड विद नो पार्ट ऑफ प्रीवियस वेल्ड क्रेटर शोइंग एट द रीस्टार्ट। सो अगर आपको इस तरह का हिस्सा नजर आ गया तो वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट होगा, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट होगा। दिस डिफेक्ट कैन बी अ स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट, दिस इज द रीजन। ओके, और एक और चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए, वेयर देयर इज एन एरिया ऑफ लैक ऑफ पेनेट्रेशन और अच्छा रूट फ्यूजन, जहां पे भी रूट के ये दो डिफेक्ट होंगे वहां पे हम इसको स्टॉप स्टार्ट क्लासिफाई नहीं करेंगे। क्लियर? हाँ, स्टॉप स्टार्ट का एरिया जो आपकी कनकेविटी है, कनकेविटी का स्टार्टिंग पॉइंट और कनकेविटी का एंडिंग पॉइंट, ये स्टॉप स्टार्ट में कंसिडर होंगे। रूट कनकेविटी का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट स्टॉप स्टार्ट में कंसिडर होगा, बट लैक ऑफ रूट पेनेट्रेशन या लैक ऑफ रूट फ्यूजन जो है इसको हम कभी भी स्टॉप स्टार्ट में कंसिडर नहीं करते। नहीं स्पैटर अगेन कॉस्मेटिक इम्परफेक्शन, इसको जस्ट ग्रिंड कर देंगे, एक्सेसिव आर्क एनर्जी होने की वजह से ये आ जाता है, राइट। मैकेनिकल डैमेज, मैकेनिकल डैमेज दीज आर चिजल मार्क्स, ग्राइंडिंग मार्क्स, राइट। तो इसको हमें जस्ट आइडेंटिफाई करना है। देन हाई लोड डिस्टॉर्शन, ये आपके एग्जाम में इंक्लूडेड नहीं है, बट ये जब मिसमैच होता है, मिसमैच होने की वजह से जब भी आपने वेल्डिंग स्टार्ट करनी है तो उससे पहले फिटअप किया जाता है, दोनों मेंबर्स को आपने अलाइन करना होता है। अगर आपने उनको अलाइन नहीं किया, एज इट इज वेल्डिंग स्टार्ट करवा दी, तो उनमें मिस अलाइनमेंट रह जाएगी, तो ये फिटअप का डिफेक्ट है, जबकि डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन इज अ वेल्डिंग डिफेक्ट, डिस्टॉर्शन वेल्डिंग करने के बाद आती है, कि जब आपके ये दो मेंबर्स हैं आपने इनको ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मेंबर के अंदर आई स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस ने आपकी यील्ड को क्रॉस किया और आपका मेंबर बेंड हो गया। ओके, इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्टॉर्शन, राइट। बट एंगुलर डिस्टॉर्शन एंड मिसअलाइनमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर एग्जाम, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि ये है क्या। अब छोटा सा एक टेस्ट ले लेते हैं आपका अभी, चेक करने के लिए कि आपको किस हद तक आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। ये क्या है, आर्क आर्क स्ट्राइक, आर्क स्ट्राइक है, आर्क स्ट्राइक स्ट्राइक, स्ट्राइक्स, राइट। यस यस, वन टू आर्क थ्री फोर फाइव, स्ट्राइक, ओके। यस। ये क्या है जी, फ्यूजन डिफेक्ट है सर, सॉरी उसामा, आपने क्या बोला, फ्यूजन डिफेक्ट लग रहा है। उसामा पहले मुझे ये बताओ कि ये बीड रूट साइड की है या फेस साइड की है। साइड सर ये रूट साइड है, सर है, तो फिर दोनों रूट जी फेस नजर आ रहे हैं ना, जी तो ये क्या होगा, लैक ऑफ रूट फ्यूजन, लैक ऑफ रूट। लैक ऑफ रूट फ्यूजन, लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन होगी सर, ये सामा, दोनों तरफ है ना, लैक ऑफ रूट फ्यूजन, पेनिट्रेशन तो लैक ऑफ रूट फ्यूजन जब एक रूट फेस होगा, जब दोनों रूट फेस नजर आ रहे हैं तो लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन। ओके, पेनिट्रेट हो गया। ओके ये क्या है, सर, लैक ऑफ साइड होल फ्यूजन का सेंटर फेल सर, बीड पे फोकस करो, ये रूट साइड की बीड है, ये रूट साइड है, लैक ऑफ रूट फ्यूजन सर, ये लैक ऑफ रूट फ्यूजन, राइट। ये क्या है, यस, रूट दिस इज कंकेविटी, रूट रूट कनकेविटी, कंकेविटी राइट। जी, यस, व्हाट इज दिस, अंडर, अंडरकट, आप अंदर अंडरकट, भी अंडरकट, डाउन साइड पे भी,
जी ग्राइंडिंग क्या है? मार्केट, ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग मार्केट, मार्केट, ग्राइंडिंग डैमेज, वी विल ओनली कॉल इट मैकेनिकल डैमेज। मैकेनिकल डैमेज, ये क्या है? इंटरन इंटरन विजन, ओनली लैक ऑफ इंटरन विजन, इंटरन स्लैग इंटरन विजन, फ्यूजन प्लस इंटरन फ्यूचर अंडरफिल प्लस अंडर फिलर सर। ओके। अच्छा, इसके अलावा ये यस कुछ सर, नीचे अंडरकट भी हैं, अंडरकट अंडरकट, भी राइट? सो इनको इग्नोर अंडर नहीं करना। एक्सेस ये क्या है? एक्सेस एक्सेस रूट पेनिट्रेशन। ये क्या है? रूट पेनिट्रेशन। सर ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अंडरकट्स लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन, सर, ये अंडरकट्स भी हैं और इसके अंदर पोरोसिटी भी है स्लैग दरम्यान के अंदर, स्लैग बीट्स के अंदर, ये जिसने स्लैग रूट इंटरन बोला स्लैग था इंटरन उसको अगेन मेरा सलाम पेश है। अंडरकट जी मैंने कहा ये जिसने रूट बोला ना उसको अगेन मेरा सलाम पेश है। मुझे ये बताओ कि रूट में डबल बीट कब से आने लग गई है? सर, बीट दिख रही है इसमें जब से भाई दो ने है ना, दो बोला सर तब। है ये ना, डबल दो लग बीट रही है, राइट? डबल बीट, सो लैक ऑफ इंटरन है, फ्यूजन प्लस साइड गेट अंडरफिल ब्लैक प्लस स्लैग। यहां तक ब्लैक स्लैग हो गया, अंडरकट्स नीचे अंडरकट आ रहे हैं और ये आ डैमेज गए आ रहे सही। हैं। ये क्या बताया आखिरी वाला, डैमेज डैमेज मैकेनिकल डैमेज डैमेज ये क्या है? रूट अनकंप्लीट रूट इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। रूट फ्यूचर। कुछ जगहों पे लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन है, कुछ जगहों पे लैक ऑफ रूट फ्यूजन है, कुछ जगह पे एक्सेसिव ग्राइंडिंग की वजह से ये डैमेज आ रहा है, राइट? सर एक मिनट सर, ये लैक ऑफ रूट फ्यूजन है ना पेनिट्रेशन दोनों दोनों है सर, कहीं पे लैक ऑफ पेनिट्रेशन है सर, रूट ये फ्यूजन नजर आ रहा है, जी, ये लैक ऑफ रूट दो पेनिट्रेशन है दोनों साइडें दिख रही हैं इसमें से, लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन हो गया जी, जी। बाकी जो है वो लैक ऑफ रूट फ्यूजन है। दो सर, ये सब पक्का हो रहा है क्लियर है जी? जी जी ये क्या है? जी सर। ये रूट की भीड़ है, साइड वाल जी रूट जी की भीड़ है, रूट फ्यूजन, रूट फ्यूजन, लैक ऑफ रूट लैक फ्यूजन, रूट फ्यूजन, ऑफ लैक साइड ऑफ साइड वॉल, अंडरकट, अंडरफिल राइट? अंडरकट व्हाट इज दिस? अंडरकट्स अंडरकट्स व्हाट इज दिस? लूट पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन और ये क्या है? स्टॉप, स्टार्ट स्टार्ट स्टॉप। स्टॉप स्टार्ट स्टॉप वेरी गुड। स्टॉप सो दैट्स ऑल अबाउट वेल्डिंग इम्परफेक्शंस एंड डिफेक्ट्स। कल हमारा टॉपिक होगा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का, तो आई वुड एडवाइज ऑल ऑफ यू के आप डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की जो स्लाइड्स हैं उनको कुछ रिव्यू करके आए, ताकि कल हम उस पर डिटेल में डिस्कशन कर सकें। ओके ठीक है।